हाँ जो वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, कृषि ये जो भी उन्होंने बिल पास करा है सब आप छीन ले रहा है, तो हम उनकी क्यों मानना है? उनके को गुलाम है हम। डंडे और डंडे का साथ होता है, डंडा हम पे नहीं है, जो झंडे सा नहीं मानेगा डंडे सा मानेगा। हमारे तो दो हाथ हैं, एक एक लोंडा इतना इतना मजबूत पड़ा चार चार को बांध देगा। इतनी फसलों का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे आप? क्या करा जाए, घर भी मरे पड़े हैं, अभी मरने पड़े हैं, मर तो घर भी रहे हैं, घर तो मर तो घर भी रहे हैं। कोरोना भी चल रहा है, महामारी का नाम दिया जा रहा है, हाई महामारी, हाई महामारी। कोरोना से मर जाए या घर मर जाए, भूखे मर जाए, मरना है। सबसे बड़ी कमी तो हमसे यू हो गई, बालक वाला आदमी होना चाहिए, आदमी को तो कोई घर भी किराया पर देता ही नहीं। हमने सरकार बनाने वाले आप, प्रधानमंत्री चुनने वाले आप, फिर आप ही ऐसा बोल रहे हैं? नहीं क्या करें फिर, आदमी है ना, नहीं बैठाना चाहिए। किसान पता बालक बच्चों का खर्चा क्या हो? ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कोरोना किसान को नहीं होता? क्यों करता है किसान? फिजिकल वर्क उसका इतना ज्यादा है, उसे नहीं होता किसान के शरीर में, उसे कोरोना होता ही नहीं है। ये बीजेपी वाले हो गए, ये कहीं ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका तो वोट लाए थे, वोट तो हमने दे रखी, ये टिक्के लगा कर बैठे तो इनको वोट, अगर उस दिन जड्डा हो जाए, गर्मी हो जाए, वोट यहाँ गिरने जाते नहीं है। सरकार हमने बड़े हैं जब तो भुगत रहे, बाप जो है बच्चों को पैदा करो और उसकी तरफ एंठन हो, क्या कर लेंगे? इतनी लूट खसरोट चल रही है, जो काम 1000 रुपए का होता वो 5000 रुपए में हो रहा है। वीआईपी नेताओं को, वीआईपी में रहने वालों को, एसी में रहने वालों को रोग होता है। बड़ों की कहावत है, ग्रामीण कहावत है कि जब गद्दड़ के मरने के दिन आओ, कहां सामी भागो।